हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप अच्छे से नोट्स बना करके पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग आंसर में अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप के भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन मिलने वाले ही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के से। फर्स्ट यूनिट में क्या है कि आप लिस्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे जो भी डिफरेंट फंक्शन आपने सुना होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, जो भी आईओ मैनेजमेंट, वो सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। सारे फंक्शन को अच्छे से प्रॉपर इलेबोरेट करिए, उसके बाद उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या होती है सारी चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, देन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, कितनी स्टेज होते हैं, और हर स्टेज को अच्छे से एलिब्रेट करिए, किस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज में प्रोसेस जाता है, वो चीजें विद डायग्राम को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, देन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है इसको देख लीजिएगा, और इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे आपका FCFS हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो गया, चाहे जो भी आप प्रोसेस शेड्यूलिंग में जो भी आपने सुना होगा। ठीक, जितने एल्गोरिथम हमने देखे, सारे एल्गोरिथम के ऊपर कम से कम आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके रखने हैं, जिससे चीजें क्लियर रहे और एग्जाम में आप लिख सको। ठीक है, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए इसको आप आराम से सॉल्व कर सको, चीजें ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, क्योंकि इसमें बकवास लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व भी इजी होता है, बहुत ज्यादा टिपिकल सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छे स्कोर कर सकते हो इसमें, तो ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। देन आपका जो है डिफाइन करिए आपका थ्रेड क्या होता है, डेमन क्या होता है, देन यूटिलिटी ऑफ मल्टी प्रोग्राम बेस्ड सिस्टम क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज भी पढ़ लीजिएगा, डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लीजिएगा। देन सिस्टम कॉल क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम कॉल होते हैं, ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है, देन राइट द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कौन कौन सा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। देन हम अगर सेकंड यूनिट में बात करते हैं, तो सेकंड यूनिट में आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है वो चीजें देखेगा। सेमाफोर में आपको बाइनरी और इंटीजर दोनों सेमाफोर देना है, इसके एल्गोरिथम जो होती है एल्गोरिथम भी आप देख लीजिएगा सेमाफोर के। देन एक्सप्लेन द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के बारे में गारंटी दे रहा हूं, एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन 14-14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये OAS का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। ठीक है, तो डेडलॉक के बारे में अच्छे से पढ़िए, कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती हैं, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन देखो वही है। डिस्कस हाउ डेडलॉक अकर, डिस्कस द मेथड हाउ डिटेक्ट ए डेडलॉक, और यहां पर क्या एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ RAG। RAG का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और PWFG का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आपका डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, ये दो भी आपको जो इसमें एल्गोरिथम यूज होती है वो चीजें आप पढ़िए। बैंकर एल्गोरिथम आगे ये इंपॉर्टेंट आता है, तो इस चीज को पढ़ लीजिएगा अच्छे। डेडलॉक गारंटी दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर एग्जाम में ज्यादा होशियार बनने की कोशिश किया तो दो क्वेश्चन आपका डेडलॉक में देना ही देना, उसको फिक्स है। ठीक है, देन अब थर्ड में जाते हैं। थर्ड में क्या है, पेजिंग। पेजिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेजिंग, हाउ एड्रेस मैपिंग इज परफॉर्म्ड बाय इन पेजिंग टेक्नोलॉजी, आल्सो इनुमरेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग। पेजिंग क्या होता है, सारी चीज अबाउट पेजिंग आपको अच्छा पढ़ना है। ठीक है, मेन काम ये है। ठीक है, देन यहां पर क्या है, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ सेगमेंटेशन इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सेगमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में अच्छे पढ़ लेना है। ठीक है, देन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ वर्चुअल मेमोरी के साथ ही साथ आपको जितने भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, चाहे आपका LRE हो गया, चाहे ऑप्टिमाइज हो गया, चाहे आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जितने भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, उसका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, प्लस साथ ही साथ उसको आपको थ्योरी बेस भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज इसको मैं क्वेश्चन में लिखा रही हूं, लेकिन ये चीज ध्यान दें, इसका न्यूमेरिकल भी उठा के पूछा जाता है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ जाता है। देन एलिबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग विथ रेफरेंस टू वर्चुअल मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम, द डिमांड पेजिंग, अभी से वर्चुअल मेमोरी बनता है तभी डिमांड पेजिंग का हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो कैसे होता है क्या होता है वो चीजें पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन रिलेटेड टू मेन मेमोरी मैनेजमेंट, तो जो भी मेन मेमोरी मैनेजमेंट में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन होते हैं कौन कौन से होते हैं, वो चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन
अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो फोर्थ यूनिट में फाइल, तो फाइल आपका, फाइल के बारे में आपका, ये फाइल कैसे डिफर करता है डायरेक्टरी से, फाइल के फंक्शन जो भी हम, फाइल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, राइट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ओएस रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट, देन फाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, डिस्कस वेरियस एट्रीब्यूट रिलेटेड टू फाइल अलॉन्ग विथ वेरियस फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। जो भी अलग अलग फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होते हैं, फाइल के कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, फाइल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है, ये क्वेश्चन फिक्स से आना है, ठीक है। देन डिस्क का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, मेमोरी स्ट्रक्चर में यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ फाइल, ठीक है। मतलब डिस्क स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब पढ़ लीजिएगा। आर टू गिव द डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फाइल, तो अलग अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द फंक्शन रिक्वायर्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम वाइल एग्जीक्यूटिंग डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब जो डिवाइस मैनेजमेंट यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में, ठीक है। डिस्कस वेरियस आईओ मोड एंड सब आईओ मोड फॉर हैंडलिंग आईओ डिवाइसेस, ठीक है। तो आईओ मोड कौन कौन से होते हैं वो ये देख लीजिएगा। देन राइट ए नोट आप डिस्क शेड्यूल, तो यहाँ पर रोड नाइट डिस्क शेड्यूलिंग में खाली एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लग रहा है, डिस्क शेड्यूलिंग में जितने भी डिस्क शेड्यूलिंग है साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल देखने हैं इसके, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, प्लस कंपेरिजन भी देखना है, मान लो स्कैन हो गया सी स्कैन हो, दोनों में कंपेयर करके एग्जाम्पल के साथ आप दे सकते हो, या फिर डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको सॉल्व करने के लिए, कि आप इसको पूरा सॉल्व करके बताओ तो कितना आपका जो है टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस तरह से पूरा क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका जो है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल एंड लॉजिक फाइल सिस्टम, तो ये फिजिकल एंड लॉजिक फाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो आपको बारे में इसको डिफरेंशिएट करना, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसा करता हूँ इसमें से जहां तक है अच्छे क्वेश्चन फंस जाने हैं आपके एग्जाम में, इसको जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है अच्छे से पढ़ के इसका नोट बना करके करिएगा, एग्जाम में अच्छे आराम से अच्छा नंबर आप पा जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।